गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है, खास चलिए नज़र डालते हैं। आज 12 मई 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसने कोविड का पता लगाने के लिए एक AI टूल विकसित किया है? तो ऑफकोर्स ये DRDO के द्वारा किया गया है ये काम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। आपको पता है दिल्ली में बहुत ही बेकार कंडीशन है, मतलब वर्स्ट कंडीशन है, और सिमिलर टू UP ऑल्सो। तो अभी वहाँ पे पत्रकारिता के लिए भी ऐसा काम किया गया, मतलब जितने भी पत्रकार हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है जो कि एक गर्भवती महिला थी? तो वो कौन सी कंट्री है? पोलैंड है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? इसका नाम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि WHO के द्वारा ये काम किया गया है। इसका नाम क्या है, सिनोफार्म है। और सिनोफार्म कहाँ की है ये? तो ये चाइना की मेडिसिन है, आपको याद होगा, जो कि बियर बाइल से बनाया जा रहा था, भालू के बाइल से, पित्त से, तो वही वैक्सीन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर का विद्युत इंजन यानी 12B इंजन शामिल किया गया है? तो कितने हॉर्स है, हॉर्स का है ये, हॉर्स पावर ये है 12,000 का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस देश ने सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? तो ये कौन हासिल किया है, ये रशिया के द्वारा किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, स्पुतनिक लाइट, नाम याद रखिएगा, स्पुतनिक से समझ जाएगा, स्पुतनिक 5 इनकी पहली थी, स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है? तो ये क्या है, रोइंग क्या होती है, काइंड ऑफ बोटिंग होती है, इसमें कई लोग बोट करते हैं, जैसे केरल में आप देखते होंगे, तमिलनाडु में देखते होंगे, बोट रेस होती है ना, सेम वैसा ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाला चढ़ाई किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, 25 बार किसने चढ़ लिया? ये कौन है, किम रीता शेरपा, और ये कहाँ के हैं, ऑफकोर्स नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ये नेपाल के हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के पास में गिरा है? तो आपको पता है ये न्यूज़ आप बहुत सुने होंगे, अक्सर सुनाई दे रहा था, मतलब अनुमान लगाया जा रहा था कि ये न्यूजीलैंड में गिरेगा, फिर न्यूयॉर्क में गिरेगा, तो फाइनली मालदीव्स यानी इंडियन ओशन में गिरा है। ठीक है, और यहाँ के जो PM थे उनको भी खतरा हुआ, ये याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भारत और यूरोप विश्व निवेश बैंक जिसे कि EIB के नाम से जानते हैं, वित्तीय अनुबंधन हस्ताक्षर किया है? तो ये पुणे गवर्नमेंट, पुणे मेट्रो रेलवे जो प्रोजेक्ट है उनमें किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक टैक्स हब बनाया जा रहा है? तो ये ADB के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य ने श्री अरविंदो सोसाइटी का और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो और छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। आपको पता है त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है वो आपके किससे पूरी तरीके से, तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है। ठीक है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में फेरिन रिवर बहती है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस राज्य ने मनोज दास को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? तो ये कहाँ के हैं, ये ओडिशा के हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डबल डक बिल डायनासोर प्रजाति जिसका नाम क्या है, यामा तो सार्स डायना नागी किस देश में खोजा गया है? तो एक डायनासोर है, ठीक है, ये खोजा गया कहाँ पे, जापान में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य सरकार ने आपातकाल को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है? तो ये कहाँ किया है, झारखंड में किया है।
ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछ सकता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।